मतलब ये कि अगर अब आपने मुझे कभी भी अकेला छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। भाई ने एक लड़की को प्रपोज किया है। क्या? हाँ कर दी उसने। हाँ तुम जैसी लड़कियां ऐसी होती हैं, जहाँ ज्यादा पैसा नजर आए नहीं वही भाग पड़ती हैं। हम लोग अभी आबरू के घर की तरफ निकल रहे हैं, तू डायरेक्ट वहां पे पहुंच। तू आ रहा है ना? मैं आ रहा हूँ। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे, तुम ऐसी नहीं हो सकती। साइम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हुई और मैं बाहर जाकर ये सबको बता रहा हूं कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए कहां से बीच में आ गए? तो फिर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। नहीं साई, मेरी गैरत ये बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही। तुम्हारे और मेरे घर वालों के सामने मुझ पर ये कीचड़ और छाला जाए कि मैं मोहब्बत किसी और से करती हूँ, शादी किसी और से करने जा रही हूँ। तुमने मुझे वो इज्जत, वो वकार, वो भरोसा दिया है जिसकी उम्मीद हर औरत एक मर्द से करती है। तुम बहुत अच्छे हो साहिब। साहिब, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाली थी कि मैंने गुस्से में आकर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को तो यहाँ आने के लिए कह दिया, लेकिन मैं किसी भी जज्बाती फैसले की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। और जिस भरोसे की उम्मीद मैंने किसी और से की थी वो तुमने मुझे देकर मेरा मान रख लिया। किसी ने मुझे मेरी ही नजरों में इतनी बुरी तरह गिरा दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती और मैं नहीं गिरना चाहती। क्या तुम मेरा साथ दोगे? काफी देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? बातों में लग गए होंगे, उन्हें शायद काफी कुछ कहना होगा एक दूसरे से। अहमद साहब, हम सब घर से इस बात पर मुत्तफिक होकर आए थे कि हम इस रिश्ते पर रजामंद हैं। प्रोफेसर साहब, अगर आज आपकी भी रजामंदी हो तो हम सब चाहते हैं कि अंगूठी बनाने की रस्म तय कर दी जाए आज। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ थोड़ा बहुत वक्त तो दें सलाह मशवरे का। अहमद साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे घर में कोई बेटी नहीं है। आपकी आबरू हमारे घर में हमारी बेटी बनके रहेगी। अहमद साहब, हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि इस रिश्ते के लिए साइम और आबरू बाहमी तौर पर रजामंद हैं। फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो आबरू बेटी से डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल, आबरू से पूछना तो बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं आबरू को बुलवा लेता हूँ। तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शादी करोगे मुझसे? तुम्हें हरगिज नहीं कर सकती, तुम साइम हरगिज ऐसा नहीं करोगे। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? मुझे किसी से अब कोई मोहब्बत नहीं है। तुम बोलो साइम, सब शादी करोगे तुम मुझसे? मीर, अब मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। और तुम भी एक बात याद रखना, अगर ये मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो तुम्हारे साथ इससे बुरा करेगी। See it। मैं आबरू पे पूरी तरह से भरोसा करता हूं और ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आबरू बेटा। जी बाबा। आई बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये तुम्हें अभी अंगूठी पहनाना चाहते हैं। जी बाबा मुझे मंजूर है। रखना मेरी याद को अपने दिल में, तेरा इश्क है मेरी याद। ठीक है तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। साइम इधर आओ। ढूंढ रहा है दिल बंजारा मेरी हदों से दूर किनारा, कर मेरे पास तू दो जहां मोहब्बत है कुछ इस तरह, तेरे संग डोलना 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 वे माहिया वे डोलना वे डोलना। तेरी चाहत मेरे है बसी मुबारक हो। अब ना दिल का है कोई ठिकाना, तेरी खामोशियाँ मेरी मजबूरियाँ क्या भला कैसे समझे जमाना। चाहत है कुछ इस तरह, तेरे संग डोलना 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 वे माहिया वे जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा किया, किसी से इतनी मोहब्बत की और उसने मेरी मोहब्बत, इस भरोसे को ऐसा तोड़ा कि अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है। मैं हमेशा से जानता था कि मोहब्बत के मुकद्दर में सुकून नहीं होता, पर ये इतनी बेसुकूनी दे जाएगा मुझे नहीं पता था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उसने मेरे वाहिद सहारे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं अंदर ही अंदर ये दुआ करता रहा कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ शायद वो सब गलत हो, पर सब सही था। इतना दर्द क्यों? क्या बात है बेटा, सब कुछ इतना जल्दी हो गया इसलिए परेशान हो या कोई और बात? नहीं तो बाबा, कोई बात नहीं है। झूठ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ। इससे तुम्हारी आंखें जो हैं वो तुम्हारे अल्फाज का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे बेटा। साइम तुम्हें पसंद है या उसमें कोई बुराई? नहीं बाबा, साइम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए और वेरी डाउन टू अर्थ। तो फिर मेरी जान क्या बात? बात यह है कि मोहब्बत किसी और से करती और शादी किसी और से करने जा रही हूँ। क्या मतलब बेटा? बाबा, मीर मुराद से मेरी पहली मुलाकात कुछ ऐसी रही कि उसने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे नीचा दिखा सके, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन बाबा, वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि वो शख्स वैसा नहीं है जैसा दूसरों को दिखाता है। बहुत हसास है और उसने भी मुझे अपना वो असर दिखाया जो वो दुनिया से छुपाता है। और बाबा, फिर एक दिन मीर ने मुझे कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। फिर मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे भी उससे मोहब्बत है। बाबा, मीर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि उसके घर में मेरी और साइम की शादी की बात चल रही है और मैंने उसकी गैर मौजूदगी में इस शादी के लिए हाँ की है, क्योंकि साइम के पास ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, और साइम को ये सब पता है? बेटा, जानती हो कि मैंने तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी काम से नहीं रोका, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जो भी काम करोगी सही करोगी। बेटा, खुद सोचो, क्या साइम से शादी करने का ये जज्बाती फैसला दुरुस्त है? बाबा, पहले मैंने भी यही सोचा था कि सब में साइम का क्या कसूर, कि मुझे नहीं सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन उन्हें सब कुछ पता चल गया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरी जगह कोई भी गैरतमंद लड़की होती तो वो यही फैसला करती। और फिर ने मुझे ये कहा कि कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप ही बताएं मुझे बाबा, जिस मान की तवक्को मैंने अपनी मोहब्बत से की, मुझे साइम दे दी बाबा, अब आप ही मुझे बताएं कि साइम से शादी के लिए कैसे राजी ना होती। कि मेरी जान, शादी के बाद तुम उस घर में जाओगी और वहां पर मीर भी मौजूद होगा। कल अगर उसके घर वालों को ये सब कुछ पता चल गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इस सबसे बरतरफ सबसे बड़ी बात यह है कि तुम साइम से नहीं मीर से मोहब्बत करती हो। अगर साइम मेरे साथ है तो फिर ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं रात रात हो गई थी, मीर के खिलाफ कुछ नहीं गलत सोच सकती, लेकिन उसने जब उसको इंसान लगाया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चुप रहो बच्चे, कहाँ था यार तू रात भर? कितने फोन किए मैंने तुझे। बहुत फिक्र हो रही ना मेरी, भाई मैं तेरा। हाँ है तो फिर एक काम कर, आबरू को छोड़ दे। देख तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर, लेकिन आबरू कल रात मेरे नाम के साथ मंसूब हो गई। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। तू और तेरे असूल, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इसमें तेरा भी हिस्सा है। तुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आया। तुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कल रात से पहले नहीं पता थी ना? कल रात तो जान गया था, तो फिर जानते पूछते तूने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मुझे आबरू पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसके मासूम चेहरे के धोखे पे मत जा, सब धोखा है। तू जा, सो जा जाकर आराम। मैं कमजोर नहीं हूं मैं। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू इस शादी से पीछे हट रहा है या नहीं। मैं आबरू को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे तेरा भाई अकेला छूट जाए। देख साइम यार, प्लीज इस शादी से पीछे हट जा, ताकि मुझे इस बात का यकीन आ जाए कि इस सब में तेरा कुछ लेना देना नहीं। मेरे पीछे हटने से तुझे यकीन आएगा कि मेरा इस सब में कोई लेना देना नहीं। तुझे मेरी बात पर तू मुझे सिर्फ इतना बता कि तू पीछे हटेगा या नहीं। अगर मेरी बेगुनाही साबित करने का तेरे पास यही क्राइटेरिया है तो आई एम रियली सॉरी। आबरू को मैं साल में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को साबित करने के लिए मैं ठीक हूं या गलत। इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुझसे ही उम्मीद थी कि तू मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, पर देखो, देख मीर, तू हकीकत से अनजान है मीर। जो मुंह में आ रहा है तो बोल रहा है। तुझे जब हकीकत का पता चलेगा तो बहुत मलाल होगा तुझे। इस पूरी दुनिया में मैंने तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार किया था, और तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अब से सब खत्म। ये रिश्ता ये दोस्ती सब खत्म। वीर ऐसा मत कर, तू बहुत पछताएगा बाद में। इतना बड़ा खेल खेल के तुम दोनों बच नहीं सकते, जरा होशियार रहना, क्योंकि छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। मीर, मीर मेरी बात तो सुन। मीर छोड़ यार, ऐसे सुबह सुबह मूड खराब हो गया। मुझे बता क्रिकेट का क्या सीन है? क्रिकेट खेल। वलीद, वलीद, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। वलीद, मैंने सुनना जरूरी नहीं समझा। मेरी बात सुन लो एक दफा। कुछ रह गया अभी भी? कोई गुंजाइश है और बात सुनने की? वलीद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे ये कहना है कि आबरू तुम्हारी भाभी बन गई है, हमारे खानदान में रिश्ता जुड़ गया और आबरू को नहीं पसंद तुम्हारा हया से मिलना। प्लीज हया से दो। यही बात जाकर हया को क्यों नहीं समझा देते? बार बार एक ही बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। वलीद, मीर तबीयत तो ठीक है ना? रात को तुम कब आए पता ही नहीं चला। मीर तुम तो बच्चों की तरह नाराज होके बैठ गए हो। मीर क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अब जाके साइम की शादी की तैयारियां करें। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? अभी मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? ये तो मुझे वैसे पहले से ही पता था कि आपकी तरह मेरे नसीब में भी कफा नहीं है। मुझे भी कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, लेकिन अपने ही दिल पे ऐसे वार करें कि मैंने कभी सोचा नहीं था। अम्मी, किसने क्या किया है? किसी अपने ने। बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है। जो भी हुआ है और जिसने भी किया है उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। मीर, कॉन्फिडेंस है ना, हम वो साल के साथ कर रहे हैं, कभी हमारी बात नहीं और इन 2-4 महीने में हम इतने करीब आ गए और आबरू के एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ हो गई। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सारा प्लान था। प्लान? हाँ हाँ, वो ऊपर वाले का प्लान, हमें मिलाने का। देखो भाई और भाभी करीब ना आते तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती? कभी कभी क्या बोलते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता यार। देखो मतलब भाई और भाभी की शादी की बात ना होती तो हमारी शादी की बात। तुम मुझे फोर्स कर रहे हो यार। देखो कोई रिंग विंग तो है नहीं मेरे पास, ठीक है? मुझे कल रात को ही ख्याल आया कि मैं नहीं, वैसे तो मुझे तब से ख्याल आ रहा है जब से हम दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हुआ, लेकिन कल रात को मैंने ये सोचा कि अब इसे और डिले नहीं करना चाहिए। हाय अहमद, मैं नहीं जानता कोई हमारा साथ देगा या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुमसे बेहद मोहब्बत करूंगा। क्या तुम उससे शादी करोगी? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी क्लास की भी नहीं हूँ। यही मासूमियत ने ही तो मेरा दिल लूट लिया। बीबी, हमें नहीं फर्क पड़ता, कोई क्लास, कोई पैसा, कुछ नहीं। Can't believe it. जल्दी बोल तो देखो, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। प्लीज बोल दो। ये इज माय ड्रीम प्रपोजल और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। अरे साइम, आज तुम घर पे हो? जी अम्मा, आज ऑफिस नहीं किया, मूड नहीं हो रहा था। साइम, कहाँ जा रहे हो तुम? आबरू के साथ जा रहा हूँ। See you. तुम भी आज घर पे हो? हाय मीर, इधर आओ, आओ मेरे पास आके बैठो। Sit. इतने दिन हो गए तुमसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। He is fine, सायरा। थक क्या होगा? ऑफिस से आने के बाद उसको आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता ना। मीर, तुम्हें कैसा लगा सरप्राइज? सायरा, मैं सोच रही थी अब हमें शादी की तैयारी जरा जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, आबरू से भी पूछ के डिजाइनर फाइनल कर लेते हैं। हाँ, मैं साइम से भी बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। सुनो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी कोई आबरू जैसी अच्छी लड़की ढूंढ ही लेनी चाहिए। हाँ, सायरा आओ ना, बैठो, चाय मंगवाओ अपने लिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल में सिर्फ मैं ही तो नहीं, तुम भी तो एक ही सफर कर रहे। साइम, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मीर के दरमियान कोई दरार आए। दरार तो आ गई। मीर को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। एक बात जो उसके जहन में बैठ जाए वो इतनी आसानी से नहीं जाती, और ये गलत फहमी उसके जहन में बैठ चुकी है। फिर भी तुम चाहो तो एक बार फिर सोच सकते हो अपने फैसले के बारे में। मैंने सोच लिया, तो सोच समझकर ही मैंने अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजा। तब तुम्हें कुछ नहीं पता था, अब है। आबरू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी हाल में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हम एक साथ अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात हम पहली और आखिरी बार कर रहे हैं। इसके बाद हम इस बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे। अब तुम शादी करके मेरे घर आ जाओगे। मीर तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा हर वक्त। क्या तुम मीर से मोहब्बत करती हो? उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हो? तुम जैसी लड़कियां ऐसी होती हैं, जहां ज्यादा पैसा नजर आए नहीं वही भाग पड़ती हैं। मोहब्बत की अब मेरे आगे कोई अहमियत नहीं। और रहा सवाल मीर के साथ जिंदगी गुजारने का, तो मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसे मेरी नीयत, खुलूस और किरदार पर शक हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात हैं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, बहुत मोतबर हो तुम मेरे लिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी हम दोनों के लिए काफी होती है। हमें बस एक दूसरे का साथ देना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें अपना रिश्ता ऐसा बनाना होगा कि जिसमें कोई शक या किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं। हम पहले दोस्त थे, अब आगे हमारा रिश्ता जैसा भी बने, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ओके? जी सर। अरे बस आबरू क्या करी है? सर वो तो अपने कैबिन में है, अपना सामान पैक कर रही है। मुझसे कहेंगे फोन से पहले मेरे ऑफिस में। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? गुड। मैं तुमसे ये कहने आया था कि मेरी तरफ से कुछ नहीं बदलाएंगे। तो मेरे लिए जैसे पहले थे वैसे ही आज हो और हमेशा रहोगे। उस रात को भी मैं तुम्हारे और आबरू के दरमियान में से फटने को तैयार था, फिर तुमने खुद ही कहा कि तुम्हें आबरू में कोई दिलचस्पी नहीं है। हकीकत जानने के बाद भी मैं शादी से इनकार कर रहा था। आबरू ने मुझसे खुद ही पूछा, इनकार नहीं कर सका मैं। मैं जानता हूं कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी। कह दिया जो कहना था। आई हाईली सजेस्ट के अगर कोई ऑफिशियल बात ना हो तो आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। लेकिन तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, जो दिल में आए कह सकते हो। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, आई हैव अनदर मीटिंग टू गो टू, और वैसे भी फजूल की बातों में फंसकर कुछ लेट होने से शदीद नफरत है। कैन लीव।